अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज 3C ऑफ चैप्टर नंबर 3 सेट्स क्लास 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज इक्वल टू डूरियन मैंगो एंड पाइन एप्पल एंड बी इज इक्वल टू डूरियन रेम्बूटन मैंगो एंड सोरसो, फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए सेट गिवन है, सेट बी गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, ए और बी का यूनियन फाइंड करना है, फिर हमने ए और बी का जो है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले मैंने ए के एलिमेंट लिख दिए, यूनियन बी सेट के एलिमेंट लिख दिए। फिर देखें यूनियन में क्या होता है, यूनियन होता है सब का मजमूआ, यानी कि सब का सम कर देता है, यानी सारे एलिमेंट आ जाते हैं उसमें। सेट ए के भी एलिमेंट होंगे, सेट बी के भी एलिमेंट होंगे। देखें दूरियन दोनों में वन टाइम लिख दिया, मैंगो दोनों में वन टाइम लिख दिया, ठीक है। इसी तरह पाइन एप्पल इधर है, इधर नहीं आया, इधर लिख दिया, ठीक है। फिर इसी तरह रामबुटन, फिर इसी तरह सोर्स ऑफ भी लिख दिया। तो ये क्या आ गया, यूनियन आ गया ए और बी का। इसमें सारे ए के एलिमेंट भी हैं, बी के एलिमेंट भी हैं, और कोई एलिमेंट, ये देखिए डूरियन इधर भी, इधर भी है, इसे रिपीट क्यों नहीं हो रहा, दो दफ़ा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये सेट की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें डिस्टिंक्ट जो है वो एलिमेंट होंगे, तो इसलिए ये कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। इस तरह ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखे, फिर उनमें देखें क्या होगा कॉमन है, एक तो डूरियन है दोनों में, ठीक है, एक मैंगो कॉमन है, तो वो दोनों के आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन है। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये होता है कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कॉमन एलिमेंट इसमें डूरियन है और मैंगो है, इसलिए ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ गया, डूरियन और मैंगो आ गया। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करना है। फाइंड द यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, सेट के पेयर गिवन है जहाँ पे ए बी, अगले में सी डी ई एफ जी एच, ये दो 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 सेट गिवन है हर पार्ट में, तो हमें इनका यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट में देखें, जो है ए के एलिमेंट है 3, 6, 9 और 12, बी के एलिमेंट है 6, 8, 9। फिर हमने इसका यूनियन पहले दोनों सेट का ए और बी का फाइंड करना, ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट लिखे, यूनियन बी के एलिमेंट लिखे, फिर दोनों के यूनियन के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखिए 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मैंने अरेंजमेंट करके अरेंज करके लिखा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 और फिर 12। इसी तरह हमने नेक्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, सेट ए के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन जो है सेट बी के एलिमेंट लिखे, और दोनों में देखे कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 6 कॉमन है और एक 9 कॉमन है, दोनों में 6 और 9 है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन दोनों सेट का क्या आ जाएगा, 6 और 9। तो ये पार्ट ए होगा, मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। इसके बाद सेट बी में सेट सी ए बी एक्स एंड वाई, सेट डी जब एम एन ओ पी, फिर इन दोनों फर्स्ट हमने सी और डी का यूनियन फाइंड करेंगे। सेट ए सी के एलिमेंट लिखे, यूनियन सेट बी के एलिमेंट लिखे, यूनियन में सारे आ जाएंगे ए बी, फिर एम एन ओ पी, फिर एक्स और वाई, ठीक है, मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं इसलिए एक्स वाई जो एंड पे चले गए हैं, नहीं तो पहले इसके एलिमेंट लिख दें फिर इसके एलिमेंट लिख दें, क्योंकि कोई चीज़ भी तो कॉमन नहीं है, कॉमन जो हो उसे वन टाइम हम लिख देते हैं। इसके बाद इंटरसेक्शन आ गया, सी के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन जो है फिर आगे हमने डी के एलिमेंट लिख दिए। तो देखें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है तो वो एम्प्टी सेट आ जाए, दोनों ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, या फिर इसको ये जो सिंबल लगा देते हैं इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा बी पार्ट। इस तरह सी पार्ट में हमारे पास जो है ई सेट गिवन है और एफ सेट गिवन है। ई सेट में मंकी गोट एंड नाइन है, एफ सेट में टाइगर एंड गोड है। तो सबसे पहले इन दोनों का यूनियन ई यूनियन एफ फाइन करेंगे, मंकी गोड लाइन ये सेट ई के एलिमेंट होगा, यूनियन टाइगर गोड ये एफ सेट के एलिमेंट होगा। इसके बाद देखें दोनों यूनियन में सारा कुछ आ जाता है, यानी इसके एलिमेंट भी होंगे, इसके एलिमेंट भी होंगे। तो देखें मंकी गोड दोनों में इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों को हमने जो है वन टाइम जो है लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद लाइन इधर है इधर नहीं है वो भी लिख दिया, फिर इसके अलावा जो है टाइगर इधर है इधर नहीं था तो वो भी लिख दिया, यानी चारों एलिमेंट है, टोटल 4 जो है दोनों सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एक सेट जो है एक एलिमेंट जो गोल्ड है वो रिपीट हो रहा है, नहीं तो ये देखें 3 इधर है, 2 इधर है, 5 हो जाते टोटल। तो इसलिए हमारा यूनियन क्या आ गया, इसमें सारे एलिमेंट हैं ए के भी, सेट बी के भी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इसके इंटरसेक्शन की तरफ। ई इंटरसेक्शन एफ जो है मंकी गोल्ड लाइन, ई सेट के एलिमेंट लिखे इंटरसेक्शन, बी सेट एफ सेट के एलिमेंट लिखे टाइगर गोल्ड। तो देखिए कोई चीज़ भी जो है वो कॉमन नहीं है दोनों में, सॉरी इसमें गोड कॉमन है, ठीक है, गोड कॉमन आ रही है जैसे ऑलरेडी बताया, तो यही हमारा इंटरसेक्शन है, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या होता है, ये कॉमन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, दोनों सेट में जो चीज़ कॉमन होगी हम उससे क्या बोलेंगे, वो क्या, हम दोनों सेट का क्या है, इंटरसेक्शन है। अब हम इसका ई पार्ट डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी पार्ट है ए एम के वाई और एच जो है फाई लिखा, फाई मीन एम्प्टी सेट है, तो हम दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। जी यूनियन जो है जी यूनियन एच, जी के एलिमेंट लिखे, यूनियन एच जो है फाइव वो लिख दिया, यानी उसके एलिमेंट देखें कुछ भी फाइव और इसमें यानी कि सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो फाइव तो लिखेंगे नहीं, तो इस चीज़ सेट जी ही हमारा जो है यूनियन आ जाएगा, ए एम के एंड वाई। इसके बाद इंटरसेक्शन देखें, जी के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन जो है फिर आगे एच के एलिमेंट लिखे, एच के फाइव है, तो दोनों चीज़ में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
फाइव आ जाएगा। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर एट जो है कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।